नाम सोनू सेन है। मैं यहाँ पे कुनाड़ी में लैंडमार्क सिटी कोटा में पिछले 6-7 साल से मैनेजर की पोस्ट पे काम कर रहा हूँ। 6 साल से मैं हॉस्टल चला रहा हूँ। यहाँ पे कम से कम 350-400 हॉस्टल है और सारे मेरा हॉस्टल जो है वो लक्ष्मण विहार सेकंड में है कुनाड़ी में कोटा में। यहाँ पे एलएम की 2 बिल्डिंग है, सम्यक और संज्ञान। तो जिन बच्चों की क्लासे सम्यक और संज्ञान में लगती है वो बच्चे हमारे हॉस्टल में विजिट कर सकते हैं। मैं आपको हॉस्टल के दिखाने वाला हूँ, सारे रूम आपको बालकनी रूम नॉन बालकनी रूम सारे दिखाऊंगा। मेरे हॉस्टल में जनरेटर लगा हुआ है ऊपर, लाइट की कोई दिक्कत नहीं है, 24 आवर्स लाइट अवेलेबल है। उसके बाद में आरओ पॉइंट लगा हुआ है, आरओ में आपका हर फ्लोर पे आरओ का कनेक्शन दे रखा है बच्चे के लिए। सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं आपके लिए, हर फ्लोर पे सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं। और जो हॉस्टल का जो रूल है वो मॉर्निंग में 6 बजे हॉस्टल ओपन होता है और रात को 9 बजे वापस क्लोज होता है। जब हॉस्टल में रात को 9 बजे हॉस्टल क्लोज होता है तो सारे बच्चे अंदर आने के बाद में हर बच्चे की रूम में जाके अटेंडेंस होती है कि हाँ सारे बच्चे रूम में है नहीं है। उसके बाद में हॉस्टल लॉक होता है, यानी कि सारे बच्चे हॉस्टल के अंदर आने के बाद में एक बार सारे बच्चों को अटेंडेंस होने के बाद में हॉस्टल लॉक होता है, ठीक है। इसके बाद में जो ये एरिया है वो लक्ष्मण विहार सेकंड का है और कुनाड़ी कोटा में है ये। तो आप जब हमारे हॉस्टल में विजिट करोगे तो मैं आपको हॉस्टल में जो नॉन बालकनी जो बालकनी रूम है वो सारे दिखाऊंगा। मेरे हॉस्टल में कम से कम 20 रूम के समथिंग बालकनी रूम है और 25 रूम नॉन बालकनी रूम है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये अपना सिंगल रूम है विदाउट बालकनी। इसमें अपन बेडशीट, पिलो, पिलो कवर, फुटरेस्ट, बाथरूम में बाल्टी, मग्गा, पट्टा सब कुछ अवेलेबल करवाते हैं। ये नॉन बालकनी रूम है, इसमें आपके एसी वगैरह भी लगा हुआ है। इधर एसी वगैरह लगा हुआ है और जो उस साइड वाली गैलरी है उस पर आपकी वेंटिलेशन वाला ओपन गैलरी भी खुलता है। और ये आपका इधर बाथरूम हो गया, ये आपका बाथरूम है, ये पूरा बाथरूम है आपका। इसमें आपको बाल्टी, मग्गा, पट्टा सब कुछ मिलेगा। रूम में अपन आपको मतलब एक तरह से रूम क्लीनिंग और बाथरूम क्लीनिंग आपको अवेलेबल करवाते हैं। लॉन्ड्री वाला अलग से होता है तो वो 150-200 रुपये जो भी चार्जेस देता है वो आपको पे करना होता है बच्चे को, पर बच्चे को। आइए अपन दूसरा नेक्स्ट रूम दिखाते हैं आपको। इसमें आपके यहाँ पे अलमारी लगेगी, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट रूम में आइए, ये भी आपका नॉन बालकनी रूम है। इसमें जो विंडो है ये फ्रंट में खुलती है अपने इस तरफ हॉस्टल के सामने, ये वाली इसमें ओपन विंडो है, ये बिल्कुल फ्रंट में खुलती है, सनलाइट वगैरह सब कुछ आती है बढ़िया। ये आपका इधर बाथरूम हो गया, ये आपका इस तरह बाथरूम है, ये आपका बाथरूम रहेगा। इसमें गीजर वगैरह सब कुछ लगा हुआ है, प्लस वगैरह सारे सिस्टम कंप्लीट है। ये आपकी अलमारी हो गई, टेबल चेयर, टेबल इसमें आप बुक्स वगैरह सब कुछ रख सकते हो। ये आपका इधर एसी आ गया, ये ब्लू स्टार का 2-स्टार एसी है, विंडो एसी है, ये एसी लगा हुआ है आपका। जो अपना नॉन बालकनी रूम है ये, इसकी जो रेंट है नॉन बालकनी रूम का 3,500 है और जो भी मैं आपको बालकनी रूम दिखाऊंगा उसका रेंट आपका 4,000 रहेगा। और जब आप फाइनल कराओगे तो 100-200 रुपये कम ज़्यादा अपन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो मैं आपको बालकनी रूम दिखाता हूँ। इस फ्लोर पर 3-4 बालकनी रूम है, आपको मैं एक सैंपल के लिए दिखा रहा हूँ। ये अपनी कॉमन बालकनी आ गई सामने, ये विदाउट बालकनी रूम है, नॉन बालकनी रूम है, इसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये आपका नॉन बालकनी रूम रहेगा, इसमें आप बाहर निकल के कॉमन बालकनी यूज़ कर सकते हो। इसमें भी आपका ओपन वेंटिलेशन है, ये वाला यहाँ पे कर्टन्स लगेगा आपका पर्दा वगैरह, तो ये आपकी ओपन वेंटिलेशन रहेगा पूरा जो गैलरी में खुलता है उस साइड पे। ये आपका बाथरूम हो गया, ये आपका बाथरूम रहेगा, ये आपका पूरा बाथरूम रहेगा, ये आपका बाथरूम है। उसके बाद मैं आपको बालकनी रूम दिखाऊंगा। ये आपका हो गया अलमारी, हो गई टेबल, हो गया आपकी चेयर है। फिर आपको मैं बालकनी रूम दिखाता हूँ, पर्सनल बालकनी रूम। ये आपका पर्सनल बालकनी रूम है, इसमें बालकनी उस तरफ वाली है और ये इधर फ्रंट में खुलता है, ये आपकी पर्सनल बालकनी रहेगी, है ना, आपकी बालकनी है, ये पर्सनल बालकनी रहेगी इस रूम में। हाँ मैं आपको बालकनी वाला रूम दिखाऊंगा। ये आपकी लिफ्ट है, लिफ्ट 24 आवर्स चालू रहती है, अभी बच्चे के मैसले मैंने बंद ऑफ कर रखी है। ये आपका इधर आरओ का कनेक्शन आ गया, ये हर फ्लोर पे हमने कनेक्शन दे रखा है पीने का, तो बच्चे हर फ्लोर पे पीने का पानी यहीं से भरते हैं। ये आपका मीटर बॉक्स लगा हुआ है, सब हर फ्लोर में हर रूम का सबका मीटर बॉक्स लगा हुआ है। ये आपका फ्रंट का बालकनी रूम आ गया इधर का, ये मैं आपको दिखाऊँ, ये आपका बालकनी रूम है। ये 2 रूमों की कॉमन बालकनी है, इसमें 2 रूमों की कॉमन बालकनी है, तो मैं आपको बालकनी भी दिखाता हूँ। ये आपका एसी लगा हुआ है ब्लू स्टार का, ये एसी लगा हुआ है, ये आपका बालकनी हो गया, ये आपका फ्रंट में बालकनी है हॉस्टल के फ्रंट में, ये पूरा 2 रूम की कॉमन बालकनी है ये वाली, पूरी इधर तक है ये वाली,
पूरी बोलकनी, दो रूमों की कॉमन बोलकनी आ गई। इस सारे बोलकनी रूम है, इसमें फ्रंट साइड में अपने पास में दो बोलकनी रूम तो ये वाले हैं और एक उस तरफ का पर्सनल बोलकनी रूम है। तो अपने पास तीन रूम एक फ्लोर पे, यानी कि अपने पास में 15 रूम तो इसी फ्लोर पे हो गए। हर फ्लोर पे 15 रूम तो इस साइड पे है और 5 रूम अपने उस साइड, यानी कि अपने पास में पूरे 20 रूम बोलकनी वाले हैं। ये इसमें अटैच बाथरूम है, ये वाला आपका बाथरूम रहेगा, ये आपका बाथरूम रहेगा अटैच बाथरूम है। इसमें आपको बाथरूम क्लीनिंग और जो रूम क्लीनिंग है वो आपको डेली मिलती है। ये आपका वॉशरूम है और जो बाथरूम की साफ सफाई होती है वो अपने भाई लगा रखी है, तो वो डेली आती है और रूम की साफ सफाई करती है। आपका रूम भी क्लीनिंग होगा और बाथरूम भी क्लीन होगा। जो मैंने आपको अभी रूम दिखाया है बोलकनी और नॉन बोलकनी, तो इसमें अपने हॉस्टल में क्या है कि बोलकनी जो रूम है उसकी रेट है 4000 रुपये और जो नॉन बोलकनी रूम है उसकी 3500 रुपये है। इसमें अपन जो भी 1600 रुपये का डिस्काउंट होगा वो आपको देंगे। अगर आपको हॉस्टल अच्छा लगता है, रूम अच्छे लगते हैं तो आप विजिट कर सकते हो। मैं आपको स्टेशन पर नंबर भी दूंगा, मेरा मोबाइल नंबर है 8875909148। आप मुझे गुनाड़ी में अगर आपको हॉस्टल चाहिए तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हॉस्टल का जो एड्रेस है और मेरा जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। और आप अपने हॉस्टल में खाना भी चलता है, लेकिन अभी अपने बच्चे कम हैं, 5-6 बच्चे हैं, तो अपन ने खाना बंद कर रखा है। जैसे अपने हॉस्टल में 10-15-20 बच्चे हो जाएंगे तो अपन खाना भी स्टार्ट करेंगे। ऐसा जिस बच्चे को खाना अगर अपना हॉस्टल का अच्छा लगे तो वो खाना यहाँ भी खा सकता है, उसको ब्रेकफास्ट भी मिलेगा, खाना मिलेगा दोनों टाइम का। और जिस बच्चे को अगर अपना हॉस्टल का खाना अच्छा नहीं लग रहा, वो बच्चा अपने हॉस्टल के नीचे ही मेस है, ओपन मेस है, तो बच्चा ओपन मेस में भी ज्वाइन करके खाना वहाँ भी खा सकता है। मतलब ये हॉस्टल भी है और पीजी भी है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप खाना हॉस्टल में खा सकते हो, अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो आप बाहर भी खा सकते हो, ऐसी कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आप हॉस्टल में पूरा पैकेज रहते हो तो उसमें आपको मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट मिलता है, उसके बाद में आपको दिन में खाना मिलता है, फिर शाम को आपको 5 बजे चाय नाश्ता मिलता है, फिर रात को खाना होता है। ये पूरा मेन्यू होता है आपका हॉस्टल का।